कसरावत के गौला चिचलाई रोड पर किसान के खेत में शनिवार को रसेल वाइपर प्रजाति का सांप किसान को दिखाई दिया। किसान सांप को देख सहम गया। उसने तत्काल वन विभाग को अवगत कराया। वन विभाग के द्वारा बताया गया कि रसेल वाइपर सांप है, बहुत जहरीला होता है। इसके दंश से शरीर के नाजुक अंग बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। इसका शरीर का किंग कोबरा और करेज जैसे सांपों से छोटा होता है, लेकिन यह बहुत फुर्तीला और खतरनाक होने के साथ हमलावर होता है। यह जंगलों पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। वन विभाग के कर्मचारी सांप को पकड़कर साथ ले गए। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, ये जो सांप आपने पकड़ा है, ये कौन सी किस्म का और ये खुकार है क्या, ये जहरीला है? हाँ, ये जहरीला सांप, ये रसल वाइपर प्रजाति का सांप है। रसल वाइपर प्रजाति का जब सांप किसी को बाइट कर लेता है तो वहाँ का जो मांस रहता है वहाँ पर वो मांस सड़ने लगता है धीमे धीमे। कितनी देर में इसका जहर चढ़ जाता है सर? कोई सा भी सांप हो अगर बाइट कर ले तो उसको 40 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए या उसके बाद वो मृत्यु हो जाती है उसकी। हाँ, 40 मिनट में अगर आपने पहुंचा दिया तो हो सकता है बच जाए, लेकिन टाइमिंग तो 3 घंटे की रहती है, लेकिन उसको 40 मिनट में पहुंचा दोगे तो इंसान का बचने का चांस ज़्यादा रहता है। ये स्लीपर की क्या व्यवस्था है रहती है कि जैसे कि किसी को काट खाए या इसे कितनी देर में ले जाए? आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचाना है सबसे पहले 40 मिनट के अंदर अंदर। 40 मिनट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देंगे, और वहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे तो वहाँ का जहर रुक जाएगा और आपको गवर्नमेंट जिला अस्पताल रेफर कर देंगे आपको, जिससे बच जा। ये प्रजाति के अपने क्षेत्र ये निमाड़ क्षेत्र में ज़्यादा है क्या? हाँ, ये सांप निमाड़ क्षेत्र में। इसके काटने से बचने के चांसेस कितने हैं? काटने से बचने के चांसेस इसके 60% है। अगर सही साथ टाइम पे लेगा तब 60% चांस बचने के इसके। क्या नाम है आपका पूरा? हम टेंकू नेचर टीम से हैं, टेंकू नेचर वेलफेयर सोसाइटी। आपका नाम? मेरा नाम दीपक गारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।